बॉबी झा एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। पीएम मोदी ने कहा थैंक यू इंडिया, बीजेपी कार्यकर्ताओं को सलाम करता हूँ। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के शानदार जीत की तरफ बढ़ने के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया है। इसके अलावा उन्होंने गठबंधन पर भरोसा जताने के लिए भी लोगों का शुक्रिया अदा किया। पीएम ने ट्वीट करके कहा थैंक यू इंडिया, हमारे गठबंधन में रखा गया विश्वास कायम है और हमें लोगों की आशंकाओं पर पूरा करने के लिए और भी अधिक मेहनत करने की शक्ति देता है। मैं हर बीजेपी कार्यकर्ता के दृढ़ता और कड़ी मेहनत के लिए सलाम करता हूँ। वे हमारे विकास के एजेंडा को विस्तार से घर घर लेकर गए। चुनावी नतीजों पर आरएसएस का बयान आया है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा कि राष्ट्रीय शक्तियों की विजय पर बधाई, हिंदू चिंतन वाली विचारधारा जीती है और बांटने वाली विचारधारा की हार हुई है। राहुल गांधी ने स्वीकार की हार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी को दी जीत की बधाई। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कहा था कि चुनाव अभियान दौरान जनता मालिक है और आज लोगों ने स्पष्ट रूप से अपना निर्णय दिया है, मैं पीएम और बीजेपी को बधाई देता हूँ। राहुल गांधी ने कहा कि ये दो विचारधारा की लड़ाई थी जिसमें एक विचारधारा हमारी थी और दूसरी विचारधारा पीएम मोदी और बीजेपी की है। मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ कि वो डरे नहीं, घबराए नहीं, हम और मेहनत करेंगे। चुनाव नतीजे से साफ है कि जनता ने बीजेपी को चुना है और इसके लिए मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूँ। राहुल गांधी ने कहा कि सच कहूँ तो आज यह चर्चा करने का दिन नहीं है कि मुझे क्या गलत लगता है, क्योंकि भारत के लोगों ने स्पष्ट रूप से निर्णय लिया है कि नरेंद्र मोदी उनके प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और एक भारतीय के रूप में मैं उनका सम्मान करता हूँ। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेठी में हार को स्वीकार करते हुए कि मैं फैसले का सम्मान करता हूँ और स्मृति ईरानी जी को बधाई देता हूँ। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।